सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? इन आंखों में और सटीक ना तो इनमें मरने का काम है। क्या ये फिल्म अपने तमिल वर्जन से हटकर होगी? कब रिलीज होगा इस फिल्म का टीजर? विक्रम हर बार वेधा के सवालों का जवाब क्यों देता है? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्रैड स्टूडियोज में। 2017 की तमिल हिट विक्रम वेदा का हिंदी रीमेक जल्दी ही हमें देखने को मिल सकता है। और एक इंटरव्यू के दौरान इस फिल्म की डायरेक्टर जोड़ी पुष्कर गायत्री ने बताया था कि ये कैसी फिल्म है और किस प्रकार से ये फिल्म तमिल वर्जन से अलग हो सकती है, जो कि ये फिल्म विक्रम बने पुलिस ऑफिसर और वेधा बने एक गैंगस्टर के बीच चूहे बिल्ली की कहानी है। और आप सबको तो पता ही होगा कि ये फिल्म हमारे प्राचीन काल की ओरिजिनल कहानी विक्रम बेताल से मोटिवेटेड है, जिसमें कैरेक्टर के नाम भी उसने उधार लिए हुए हैं। इस फिल्म की अनाउंसमेंट जब की गई थी तो ओरिजिनल मूवी मतलब तमिल वर्जन में थोड़ा डाउट हुआ होगा। और इस पर डायरेक्टर पुष्कर और अपना रिएक्शन देते हुए कहते हैं, हम जानते हैं कि एक खास तरीके से कोई फिल्म कैसे बनाई जाती है और हम उसी पर टिके रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि लोग हमें बॉलीवुडनाइज्ड ना समझें। और हम मानते हैं कि दोनों फिल्मों में कहीं ना कहीं काफी डिफरेंसेस हैं। बॉलीवुड रीमेक बड़े पैमाने पर है, लेकिन ओरिजिनल फिल्म का एक तरफ बजट 11 करोड़ था, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई टोटल 60 करोड़ की थी। और अगर वहीं सोर्सेज की माने तो हिंदी रीमेक की बजट की लागत 175 करोड़ हो गई है। हालांकि अभी तक इस फिल्म का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट का इशारा 100 करोड़ तक भी इशारा करता है, तो अपनी मूल फिल्म से 9 गुना ज्यादा हो सकता है। और अगर इतना बड़ा फर्क दोनों फिल्मों में है तो डेफिनेटली हिंदी रीमेक अपनी एक अलग पहचान जरूर बनाएगा। मेकर्स काफी खुश है क्योंकि सैफ ऋतिक स्टार विक्रम वेदा इस साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है। और दूसरी तरफ इस फिल्म के टीजर ने रिलीज से पहले फैंस में जबरदस्त माहौल बना दिया है, जबकि ये फिल्म इसी साल 30 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। लेकिन फैंस को इंतजार है इसके टीजर के रिलीज होने का, क्योंकि पहले सुनने में आया था कि टीजर अगस्त के फर्स्ट वीक में रिलीज होने वाला है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन खुशी की बात यह है कि मेकर्स ने अनाउंस किया था कि टीजर इसी महीने ही रिलीज होगा, लेकिन डेट अभी फिक्स नहीं की गई। लेकिन टीजर के अनाउंसमेंट के साथ ही फैंस काफी क्रेजी और भरपूर एक्साइटेड हो रखे हैं कि शायद उन्हें टीजर जल्दी ही देखने को मिल जाए, क्योंकि विक्रम वेदा की कहानी सुनने और इसके बारे में जानने को हर कोई वेट करेगा। विक्रम बेताल को पुरानी कहानियां हम सब ने सुनी है कि कैसे राजा विक्रम बेताल के करीब 50 बार पेड़ से उतरने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार असफल हो जाता है, क्योंकि बेताल उसको हर एक बार नई कहानी में उलझा देता है। और इस बार एक कहानी में एक नया सवाल पूछता है और राजा विक्रम को उसका जवाब देना पड़ता है। और ऐसा ही साउथ और हिंदी वर्जन में भी दिखाया गया है, क्योंकि गैंगस्टर वेधा को मालूम होता है कि ऑफिसर विक्रम अगर दिमाग वाला है तो उतना ही इमोशनल भी है, और कैसे उसको कहानी और अपने सवालों में उलझा कर बचा जा सकता है। लेकिन क्या किसी ने कभी सोचा है कि हिस्ट्री में राजा विक्रम हर बार बेताल के सवालों का जवाब देता था? क्यों वो बेताल को डायरेक्ट पकड़ता नहीं था? शायद नहीं। इसीलिए हम आपको बता दें कि राजा विक्रम जैसे ही पहली बार बेताल को पकड़ने के लिए गया था तो बेताल ने विक्रम को श्राप दिया था कि अगर उसने सवालों का जवाब नहीं दिया तो वो उसका सिर उसके धड़ से अलग कर देगा। और इसीलिए विक्रम को सभी सवालों का जवाब देना एक मजबूरी हो गया था। लेकिन आज के टाइम की इस कहानी में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया, पर अब हो सकता है हिंदी वर्जन में ऐसा सेम दिखाया जाए और गैंगस्टर बना वेधा कोई ऐसी शर्त विक्रम के सामने रख दे और मजबूरी में ऑफिसर विक्रम को हर सवाल का जवाब देना पड़ जाए। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, विक्रम वेधा के हिंदी वर्जन में क्या हिस्ट्री खुद को रिपीट करेगी? Do comment and share this video. Thank you.